तीसरे अटेम्प्ट में 2018 में मेरा प्री नहीं हुआ, फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ, थर्ड में मेंस नहीं हुआ, फोर्थ में फिर मेरा प्री नहीं हुआ, फिर लास्ट टू टाइम्स से मैंने इंटरव्यू दिया। इस बार मैंने एकदम 100% खुद को झोंक दिया, तो वो दिखा भी, अब पता नहीं कहाँ पे थोड़ा बहुत कम रह गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रैंक। ऐसा नहीं है कि मेरा तुक्के में निकल गया। लोग कहते हैं महादेव की कृपा से, हाँ महादेव की कृपा रही है, नीम करोली बाबा की कृपा रही, सबकी कृपा रही है, मगर तुक्का नहीं था भाई। UPSC तुक्का नहीं है, मेहनत करना ही पड़ता है और बहुत झेला देती है। मतलब अगर दम है तो आओ, वरना मत आओ, सीरियसली बताओ। कई टॉपर्स ऐसा बोलते हैं कि दे डोंट नो कि हाउ डिड दे गेट सिलेक्टेड, बट आई टेल यू इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत ज़्यादा ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करने की ज़रूरत है, स्पेशली जब मैं JEE की प्रिपरेशन करता था 2011-12 में, तो मेरे पास फ़ोन वोन कुछ नहीं हुआ करता था। मम्मी बोलती थी फ़ोन ले जाओ यार, कहीं गाड़ी वाड़ी ख़राब हो गई तो क्या करोगे, तो हम कहते थे यार क्या ही ले जाएंगे, फ़ोन क्या करेंगे। अभी क्या है कि फ़ोन के बिना काम नहीं चलता, तो फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मटीरियल इतना ज़्यादा है, यू डोंट नो कि आपको पढ़ना कैसे है। जो पूछा है उसको लिखो, उसी के बारे में लिखो। अब इस बार GS2 में बड़े ही अजीब अजीब क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन पे आया था, तो यार उस पर मतलब कुछ भी थोड़ी लिख के आओगे ना, जो पूछा है वो लिख करके आओ, जो पता है उसको सच सच लिख के आओ, फेक बाजी नहीं करनी है। एक प्रेजेंटेशन ठीक से हो जाना है चीज़ों को, सबका बेसिक है। मैंने जो किया था मैं वो मतलब ब्लॉग लिखूंगा कुछ, तो मैं पूरा डिटेल्ड बता दूंगा, क्योंकि 6 साल में मैंने बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस किए। अखबार पढ़ो मेंस के लिए, तो एग्जांपल्स उठाओ, बहुत एडिटोरियल का नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब आपका हो जाएगा, मतलब कोचिंग वगैरह के जो नोट्स हैं उससे आपका हो जाएगा।